यार बसंती को चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। देखे पूरी बॉडी ना इसकी पतली हो रही है, पेट सिर्फ मोटा हो रहा है, फूल रहा है यहाँ से और नीचे की तरफ से। यहाँ से ढांचा निकल रहा है लेकिन पेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है यार। मैं ये सोच रहा हूँ बसंती इतनी छोटी है तो इसके बच्चे कितने छोटे होंगे यार। क्या ये मोबाइल बंद करो ना, ये मोबाइल क्यों चालू करा हुआ है? करोला की गाड़ी, करोला की गाड़ी। वापस करें भाई। अबे करोला नहीं लिया मैंने डॉक्टर साहब। आपने मेरा वक्त जाया करा है, आप पैसे दे ना यार, मजाक कर रहे हो क्या? मोबाइल बंद करो ना। अबे क्या उसामा पागल वागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो? अबे यार मिशकात में मैं पागल वागल नहीं हो गया, उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया है, बहुत ज्यादा जो चारा खिलाते हैं ना उससे ज्यादा डबल बाहर आ गया है। अबे भाई ज्यादा खा लिया होगा इसलिए पेट बाहर आ गया, कैसी बातें कर रहा है? अबे क्या कैसी बातें कर रहा है, आपको पता नहीं है क्या मुझे जानवरों का और परिंदों का कितना तजुर्बा है? मैं सूंघ के बता देता हूँ। तो सूंघ के क्या बता रहा है तू? कि वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई बसंती? अबे तू कह रहा है बसंती प्रेग्नेंट हो गई है? अबे हाँ। अबे बच्ची है वो, बच्ची छोटी बच्ची है। आप हो कहाँ पर? मैं आ रहा हूँ रास्ते में। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख के बोलोगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। अभी तो आपको मेरी बातों पे हंसी आ रही है ना यार, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो यार। अबे पागल उसामा कैसी बच्चे वाली बातें कर रहा है, मतलब बच्चा भी नहीं सोच सकता ये बात ना कि कोई बच्ची गाय छोटी गाय वो प्रेग्नेंट हो गई। भला वो 1.5-2 साल की है, ठीक है समझ आता है, लेकिन फिर भी यार इतनी जल्दी ना उसकी शादी हुई है ना कोई सीन है, प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा होने वाला है। अबे पागल पागल हो गया। बात सुना तो फोटू होते हैं इंसान जो छोटे कद के होते हैं, उनकी शादियां नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते। अच्छा तो बसंती की किससे शादी हुई है? फार्म में नहीं छोड़ा था आपने उसको, भूल गए आप? फार्म पे तो छोड़ा था ठीक है, लेकिन वो तो गधे के साथ थी। अबे क्या गधे और गाय का बच्चा होगा क्या? गधा और गाय का बच्चा नहीं आ सकता क्या? अबे उसामा चल मैं आ रहा हूँ, फजूल बातें कर रहा है, मैं आ रहा हूँ घर पे आ रहा हूँ तेरे। सही जल्दी आते हैं, काम करते हैं ना। बात सुनो, हाँ मैं प्याला से डॉक्टर को पकड़ लेता हूँ, डॉक्टर बता देगा चेक। अभी नहीं पकड़, अभी नहीं पकड़, मुझे आने दे, मुझे देखने दे पहले, मैं एक मिनट देख लेते हैं फिर उसके बाद। सही है चलो आप जल्दी आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सामा भाई का कहना है कि बसंती का बच्चा होने वाला है। अबे अबे मतलब मैं सोच रहा हूँ बसंती का अगर बच्चा पैदा होगा कितना छोटा सा होगा, क्योंकि बसंती खुद इतनी छोटी है, बच्चा कितना छोटा सा होगा। खैर जाके देखता हूँ यार क्या सीन है, ऐसा ना हो रियल में वाकई में प्रेग्नेंट हो गई हो यार, मतलब उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा फिर तो। बाय द वे भाई आपके भाई ने बड़ी जबरदस्त किस्म की गाड़ी ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करोला एल्टिस, वाह 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 वाह, फुल ऑटोमेटिक भाई साहब। और इसका व्लॉग जो है ना फूडी मिशकात जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें इंशाल्लाह आएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसमें आपके भाई की जो रियल जिंदगी है ना वो आपको देखेगी, फूड के हवाले से बड़े जबरदस्त किस्म के कंटेंट्स आएंगे। तो भाई जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सारी गाड़ियों को छोड़ के करोला क्यों ली? तो भाई करोला मैंने इसलिए ली क्योंकि करोला जो है ना वो गधा गाड़ी है, मतलब इसमें आपके भाई के सारे जानवर, शेर, बकरी, दुम्बा वुम्बा सब कुछ आ सकता है। आपका भाई इसको भी गधा गाड़ी बनाने वाला है। पहुंच चुका हूं सामा भाई के घर पे। अबे क्या सीन है यार, सीन तो बताओ सामा यार, मजाक क्यों कर रहे हो? वे यार अभी मुझे लग रहा है कोई प्रैंक श्रैंक कर रहा है मेरे साथ। जैद तुम बताओ क्या सीन है? बसंती माँ बनने वाली है। बसंती माँ बनने वाली है। अबे ये तो जैद भी बोल रहा है माँ बनने वाली है। अबे क्या हो गया भाई, छोटी बच्ची है यार उसामा। यार एक तो ये उसामा का मजाक खत्म नहीं होता यार, फजूल का। जैद को भी सिखा दिया बसंती माँ बनने वाली है, तुम सिखा दो उसको, जैद को सिखा दो। क्या फजूल का आया हूँ मैं आज टाइम जाया करने। अबे अभी बैठी हुई क्यों है भाई? पेट तो देखो। ओ भाई ओ भाई उठ भी नहीं पा रही है तो। अबे ये क्या सीन है, इसका पेट तो वाकई में बड़ा हो रहा है, क्या सीन है? बच्चे देने वाली है, बच्चे देने वाली है। ये देखो ना इस जगह से ये। अबे वो सामा बच्ची है यार वो। भाई आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, वो इससे चला भी नहीं आ रहा यार। ये उसामा भाई कह रहे हैं बसंती प्रेग्नेंट हो गई, ये चेक करो इसका पेट ना कितना मोटा हो रहा है। ये देखा इस जगह से बच्चे निकल रहे और 3-4 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, सही है ना, इसको मुसलसल चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ हो रही है यार। वैसे ये बात समझ नहीं आ रही, सिर्फ इसका पेट फूल है, ये देखो इसका पेट फूला हुआ है, सिर्फ यहाँ से ढांचा निकल रहा है लेकिन पेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है यार। यही तो बच्चे माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं भाई इसमें। वो चावल डालने आया कौओं के लिए, उसमें अचार भी था। अच्छा वो खट्टा खाने का दिल भी कर रहा है। अच्छा और ये चेक करो इसका मुंह भी काला काला पड़ रहा है थोड़ा ना, बच्चे जब देने वाली होती है ना काला काला पड़ने लग जाता है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ इसका किसी अच्छे। अबे सीरियस में तो बच्चे देने वाली नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूँ आप किसी अच्छे डॉक्टर से पता करें, मुझे तजुर्बा है बच्चे देने वाली, सुस्त हो गई। यार मुझे भी यही लग रहा है पेट ना इसका बहुत ज्यादा फूल है, लेकिन यार ये इतनी छोटी सी गाय कैसे बच्चे देगी? ये बच्चे दे रही है भाई। वैसे इसकी उम्र पूरी है, 2 साल के करीब इसकी उम्र है भाई। ये बसंती जो है ना मेरे पास ही आई जा रही है, चेक करो इसका पेट कितना ज्यादा फूला हुआ है यार,
अबे उस्ताद, मैं सोच रहा हूँ बसंती इतनी छोटी है तो इसके बच्चे कितने छोटे होंगे यार। अभी अभी कंफर्म थोड़ी है बच्चे हैं या नहीं है, तुम तो पक्का होगा बच्चे हैं इसके पेट में। ये बड़ी हो जाएगी ना तो बच्चे इसके निकल जाएंगे, जब इसे जी पकड़ेंगे बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। अबे ये देखो चाट रहे हैं मुझे, मेरे बच्चों को निकाल दो, मैं अपने बच्चों को दूर पिलाना चाहती हूँ। अबे यार, अबे भाई ये तो पूरा जानवरों को डॉक्टर है यार। ओसामा भाई सीरियस मैटर है, किसी बंदे बंदे को बुला के दिखा दो। भाई जान मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मेरी नजर में बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्याला पे बैठता है। अच्छा अगर आप बोलो तो मैं उसको लेकर आऊँ। लेकर आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था लेकिन इसका पेट मैंने देखा ना, वाकई में काफी मोटा हो रहा है। आपको कैसे पता कि बच्चे होने वाले? मुझे पहले से ही पता ना। तो इसका बाप कौन होगा? माँ तो ये है, बाप कौन है? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम बाप बन गए इसके? तो इसके बच्चे किस कलर के निकलेंगे? मैं सोचा ब्राउन कलर के निकले। इसके कान व्हाइट होना चाहिए, इसका मुंह ब्लैक, इसकी टांगे ब्राउन, इसका पेट गोरा। अच्छा पेट गोरा होना चाहिए और टांगे ब्राउन होनी चाहिए और मुंह काला होना चाहिए। बहुत बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर है यार, इतना बाहर कभी मैंने नहीं देखा इसका पेट। और दिन ब दिन बाहर हो रहा है इसका पेट। जब जानवर प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं ना तो सुस्त हो जाते हैं। ये इतनी सुस्त हो गई है, हर वक्त बैठी रहती है और इसको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। यार आपके भाई को मजाक लग रहा था लेकिन यहाँ पर आके ना कंडीशन वाकई में देखी, इसका पेट काफी ज्यादा फूला हुआ है। या तो ये प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, या इसके पेट में कोई बीमारी है, लेकिन कुछ ना कुछ मसला है। बाकी इसकी बॉडी इतनी मोटी नहीं हो रही लेकिन पेट जो है ना कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा है यार इसका। बसंती तुम खुद बता दो क्या हुआ? अबे इतनी छोटी सी अम्मा कैसी लगोगी तुम? इतनी छोटी सी अम्मा दूध पिलाई होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हैं? सिर्फ तुम चाट रही हो। हाँ कोई बात तो करनी थी। एक बात बता, बच्चे देने वाली तो हमने इसको छोड़ा कब? अकेली रहती थी, गधे के साथ ही रहती थी। भाई जान गधे के साथ तो रहती थी, फार्म हाउस भी गई है हसन वाले फार्म पे गई थी, वहाँ गायें आई थी। हाँ। लेकिन वहाँ तो बड़ी गाय थी सारी, छोटा एक गेना बछड़ा भी था। अच्छा उसने मौके का फायदा उठा लिया। ओसामा एक काम कर, तू डॉक्टर को लेकर आया। हाँ मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, आप जब तक इस पे नजर रखना। सही है, सही है, सही है। वैसे थोड़ी सुस्त लग रही है यार ये। गाड़ी की चाबी दो। हाँ गाड़ी की चाबी ले जाओ, ये ले फुल करोला शरोला। ओसामा कोई सही वाला डॉक्टर लाना, ऐसे कोई उल्टा सीधा नहीं लाना। यार ये देखो यार, इतना बड़ा पेट निकल रहा है इसका यार। तुमसे बातें करती है क्या ये? तुम्हें कैसे पता? देखो चाटेगी, चाटेगी तुम्हें। चलो तुम डरते इतना हो, ये देखो इतना तो डरते हो तुम इससे। क्या सींग भी निकलेंगे छोटे छोटे? सींग कहाँ निकले, इसके सींग है ही नहीं। सोचेगी ना चांद बैल की तरह इसके बड़े बड़े सींग निकलेंगे। चांद बैल बन जाएगी बड़े होकर। इसके बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी चांद बैल के जैसे। अच्छा तुम बोल रहे हो तुम इससे बातें करते हो ना, तो इससे किस जबान में बातें करते हो, किस तरह बातें करते हो, करके दिखाओ। नहीं ना ऐसे आवाज थोड़ी होती, ऐसे होती है अम्मा। हाँ ऐसे बातें करके दिखाओ, ऐसे करो बसंती, बातें करो। तुम्हारे बच्चे आए हैं। बातें कर रहा है अम्मा। मेरे बच्चे बोल रहे बसंती बोल रही हाँ बच्चे हैं। अबे जबरदस्ती बच्चे करवा रहे हो तुम इसका। लेकिन मसला ये, इसके बच्चे निकालेंगे कैसे हम लोग? ये बड़ी हो जाएगी ना, चांद बन के जिबा करके सारे बच्चे आएंगे। जिबा करके निकालने पड़ेंगे, फिर तो बसंती मर जाएगी। इसके पेट में ही आएंगे बच्चे, दूध दूध पिएगी ना इसके बच्चे, दूध पेट में से दूध पिएंगे। तो दूध कैसे पिएगी? इसके तो थन भी नहीं है, थन वन है ही नहीं इसके, देखो बिल्कुल खाली है, फ्लैट है बिल्कुल ही। ये थन नहीं है, यहाँ से तो पेशाब करती है। ए बातें, बड़ी हो जाएगी ना थन निकलेंगे, फिर दूध पिला सकती है। अबे यार ये ओसामा कहाँ रह गया यार, कब से गया है डॉक्टर को लेने? देखो भाग रही है, तुम्हें देखती है भाग रही है। अच्छा मुझसे नहीं भाग रही जैद, तुमसे भाग रही है सिर्फ, मुझसे नहीं भाग रही। हाँ ना मैं ज्यादा प्यार करता हूँ ना, क्योंकि मैं लेकर आया था ना और मैंने पाली थी। ये देखो जैद चाट रही है मुझे, ये देखो कितना प्यार करती है मुझसे। ये देखो चूजे बेचारे मरे हुए, चूजे बेचारे सारे मर गए ना। हाँ यार ये वाले चूजे जिंदा रहते ही नहीं है यार, सारे मर जाते हैं। तो फेंके नहीं तुमने इनको? इनको फेंक देते ना यार, सारे के सारे मर गए बेचारे। यार ये कलरफुल चूजे ना ये कभी भी जिंदा नहीं रहते यार, भला जितने भी ले आओ ना सारे मर जाते हैं, इक्का दुक्का बचते सिर्फ। तुम्हें क्या अच्छा लगता था ज्यादा, मस्ताना अच्छा लगता था बसंती? दोनों से। मस्ताना हाँ। तो मर गया ना लेकिन यार, बसंती के बच्चे होंगे ना, बसंती के ना इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे इतने इतने से। बात सुनो, जब गुस्सा गधा आ जाएगा ना छोटा सा, वो उसके भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। नहीं यार गधा नहीं लाते यार, एक काम करेंगे ना हम बकरी का बच्चा लाते हैं, सही है? प्यारा सा ना व्हाइट कलर का लाते हैं, गुलाबी। आपका बकरा था ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा? हाँ गब्बर।
उसके बच्चे आते हैं। गब्बर के बच्चे ले आऊं? हाँ। सही है सही है। वैसे यार एक बात है, हमारे सारे के सारे जानवर खत्म हो गए लेकिन वाहिद बसंती है जो हमारे साथ इतना लंबा अरसा रही है, मतलब तकरीबन 4-5 महीने तो इसको मेरे साथ हो चुके हैं। और क्या यार बेहतरीन किस्म की गाय है, वफादार, प्यार मोहब्बत वाली, चाटने वाली। यार बहुत मुझे दुख होगा अगर इसको कुछ हुआ ना, बहुत दुख होगा यार। बसंती तुम एक काम करो ना, मुझे कान में बता दो क्या मसला है। पप्पियाँ देती है ना। एक काम करो ना, तुम इसके बच्चे खींच के निकाल लो ना यहाँ से, तुम यहाँ से हाथ डालो, खींच के निकाल लो बच्चे, क्या बोलते हो? भाई यहाँ से खाल काटो, यहाँ से बच्चे निकालो और खाल बंद कर दो वापस, खत्म बात, इतनी सी बात है। खाल बंद नहीं हो सकती, अन्ना अन्ना मियाँ की मखलूत है, जो खाटेगा तो अन्ना मियाँ के पास वो चीज चले जाएगी। अरे भाईजान गुस्से में आ गया है तो लेक्चर वेक्चर शुरू कर दिया। हाँ बस सही है सही है, बस सही है बस सही है, आगे डॉक्टर को लेके। भाई इतनी मुश्किलों से आए यार, ये कसम से 10 पेशेंट छोड़कर आए अपने, डॉक्टर बिल्लू नाम है इनका। भाई ये डॉक्टर साहब है, ये तो कसाई लग रहे हैं। यार ये चेक करें हमारी गाय को क्या सीन है, इसका ना पेट काफी ज्यादा फूल है, हमें ऐसा लग रहा है बच्चे देने वाली है ये। देखें ना चेक करें हमें क्या देख रहे हैं, हमें नहीं देखना गाय को देखना है भाई। भाई इतनी सी गाय प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाईजान ये गाय बड़ी है, उम्र में बड़ी है, कद में छोटी है, ये गेनी नस्ल है। हाँ देखिए डॉक्टर साहब दांत वात इसके पूरे हैं, देखिए पूरी बॉडी ना इसकी पतली हो रही है, पेट सिर्फ मोटा हो रहा है, फूल रहा है यहाँ से और नीचे की तरफ से। ये देखें हाथ लगाएंगे ना लात भी मार रहा है बच्चा अंदर से। नहीं भाई ये प्रेग्नेंट नहीं है भाई। पेट क्यों फूल रहा है? भाई खाएगी तो फूलेगा ना। खाना तो मैंने भी खाया, मेरा पेट कम है, वरना मेरा पेट ऐसा होना चाहिए था। इसका पेट लटका हुआ है, आपका पेट खड़ा है। खड़ा है? तो आपने खाना खाया जी, तो आपका पेट क्यों नहीं फूला, आपका तो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है मैं तो बोल रहा था बच्चा नहीं है, लेकिन ये उसामा जो है ना, उसामा और ये जैद छोटा जो बच्चा है ना, ये बोल रहा है बच्चा है, इसने मुझसे बात की है, इसके अंदर 2 बच्चे हैं और कलर भी बता रहा है भाई, ये तो कह रहा है व्हाइट कलर है, उसका मुंह काला होगा, उसका ये होगा, उसका ये होगा, उसकी ये चीज बड़ी होगी, इसकी ये चीज छोटी होगी। भाई डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं यार कोई सीन नहीं है बच्चे बच्चे का, उसामा तुमने फजूल की हरकत की है यार, मुझे भी तंग कर दिया, डॉक्टर साहब को भी तंग कर दिया। चलो यार बिल्लू भाई आप जाओ, सॉरी। चलो यार बिल्लू साहब, ओके भाई। फीस बच्चा बच्चा होता निकालते तो फीस होती ना। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो बच्चा होएगा, हमने हाथ लगाया अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड ये तो इन्होंने तो अल्ट्रासाउंड किया। कितनी फीस है आपकी? मेरी 600 रुपए। लेकिन शक्ल तो आपकी 100 रुपए वाली भी नहीं है। तो 4 मंजिला चढ़ाया वो भी तो लगाएंगे ना। 4 मंजिला मुझे चढ़ा के जब पहले मेरा, तो आप पहले कभी नहीं चढ़े? मैं डॉक्टर हूँ यार, आप इतने से गाय के बच्चे के लिए मुझे। अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है भाई, क्या हो गया आपको? बोलने नहीं आता भाई, मैं डॉक्टर हूँ क्या? डॉक्टर हूँ। आप लोग क्या ये मोबाइल बंद करो ना, ये मोबाइल क्यों चालू करा हुआ है यार? ब्लॉग बना रहा ना, ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। यार पैसे दो यार, डॉक्टर से मजाक कर रहे हो यार। करोला की चाबी वापस करें भाई, अबे करोला नहीं लिया मैंने डॉक्टर साहब। कैसे डॉक्टर है, तो गले ही पड़ गए, बच्चे भी नहीं है कुछ भी नहीं, हमें क्या? डॉक्टर साहब को बच्चे बच्चे होते तो हम आपको पैसे देते ना भाई। आप अंदाजा लगाओ यार, आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने सा बच्चा बाप बन सकता है? डॉक्टर साहब चाबी दे दें, चाबी दे दें डॉक्टर साहब, चाबी दे दें। आपने मेरा वक्त जाया करा है, आप पैसे दो ना यार। उसामा 50-60 रुपए दे दे यार। मजाक कर रहे हो क्या? मोबाइल बंद करो ना। 50 रुपए दे दे, ये मजदूरी है आपकी, आप आए सही है, आपकी मजदूरी कर रहे हो क्योंकि आप मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। इस बात का ड्रामा भाई, बच्चे नहीं है, बच्चे होते तो मिठाई के पैसे देते ना यार। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आपने कोई दवाई दी इसको? आप कोई अपने साथ आला लेकर आए, खुद ऐसे चल के मुंह उठाकर आ गए आप? काम कोई होता तजुर्बे का काम, कोई चीज अंदर डालते हैं, कोई चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, आप तो मुंह उठा के आ गए ऐसे। एक बात बताओ, आप डॉक्टर हो, सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको देते हैं फीस। हां जानवरों को सर्टिफिकेट दिखाओ आप। आए मेरे आप ऑफिस में आए, आप तो मावा खाने वाले डॉक्टर हो, मावा खाओगे ऐसे बातें करते हो आप? हमारा कल्चर है, 4 मंजिला में चढ़ के आया हूँ, 150 रुपए की तो लीटर पीनी पड़ेगी मेरे को। लीटर? 1 लीटर आएगी क्या चीज? 7 अप। अबे उसामा 100 रुपए दे, उसामा 100 रुपए दे, खतरनाक है, इनके लीटर पीकर आए लगा तो गले पड़ गया यार, लाके यार दे 600 रुपए दे। कौन से डॉक्टर को उठा के ले आया तू यार, कोई ढंग के डॉक्टर को ला था, शक्ल से कसाई लग रहा है। चलो 500 रुपए ले लो डॉक्टर। यार डॉक्टर साहब इतना तो मान लो यार, नुकसान है उल्टा मुझे 150। डॉक्टर साहब ये किस चीज का नुकसान है, हमने तो कोई पैसा भी नहीं लगाया। 4 मंजिला आप ऊपर लेके आए, 4 मंजिला के पीछे पड़ गया यार ये। अबे उसामा को ढंग के डॉक्टर लेकर आते, तुम कहाँ से लेकर आए हुए? चलो यार मैं आओ, मैं आपको नीचे चल के पूरा 1000 का पत्ता देता हूँ। चाबी दे दे। चलो शुक्रिया भाई। अबे भाई पता नहीं, ख्याल करिएगा भाई, ऐसे किसी डॉक्टर को किसी को परेशान नहीं करें आप भाई। मेरे पास वहाँ पर 2 कुत्ते पड़े हुए हैं। कुत्ते की तरफ इशारा इसकी तरफ क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ से चढ़ना कोई उतरना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल है हमारे लिए। मुश्किल है क्यों? आप जवान आदमी है यार, बूढ़े थोड़ी हैं आप। गोद में लेके जाए और सामने डॉक्टर साहब को यार।
चले डॉक्टर साहब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।